प्रोमो चैनल आगे हम लोग कोडेक नेवरी लेके दोस्तों आज इस वीडियो हम बात करेगा नया नोटिफिकेशन के बारे में जिसमें स्टाफ नर्स के लिए बहुत अच्छा वैकेंसी जारी किया अंडर गवर्नमेंट का तरफ से। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो वैकेंसी जारी किया जो अपडेट किया है इसमें देखिए BMC स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2023 का तरफ से ट्रेनिंग नर्स का हिसाब से आप लोग को लेकर जाएगा स्टाफ नर्स के लिए। सो जो लोग इस पोस्ट आवेदन करने के इच्छुक है पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम A to Z आप लोग को पूरा शेयर करेगा इस नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, सो दोस्तों जितना भी कैंडिडेट है नर्सिंग के वालों उन लोग भी शेयर कर दीजिए इस नोटिफिकेशन के बारे में। BMC रिक्रूटमेंट 2023 का तरफ से मुंबई का तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी किया। ठीक है, सो इसमें देखिए जो BMC कैंडिडेट है 135 वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया स्टाफ नर्स के लिए। सो इसमें GNM वालों BSc नर्सिंग वालों इस पोस्ट के लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसका जो क्लोजिंग डेट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज क्राइटेरिया क्या रहेगा और सैलरी क्या रहेगा इसका बारे में हम आपको पूरा अपडेट देने वाला हूँ इसी टॉपिक में, जिसमें पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए हम A to Z आप लोग को पूरा शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए BMC रिक्रूटमेंट 2023 का तरफ से स्टाफ नर्स ट्रेनिंग का तरफ से 135 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया। ठीक है, सो इसमें देखिए डिपार्टमेंट रखा है बाहर हूँ मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का तरफ से BMC का तरफ से रिक्रूटमेंट जारी किया। जो पोस्ट रहेगा स्टाफ नर्स ट्रेनिंग नर्स के लिए लेके जाएगा। सो ठीक है, इसमें देखिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी रखा 135 पोस्ट रखा है वैकेंसी के लिए। एज लिमिटेड रखा है 18 से 30 ईयर तक एज रखा है। जो नोटिफिकेशन रिलीज डेट है 23/2/2023 से नोटिफिकेशन रिलीज जारी कर दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, फिलअप कर सकते हैं आप लोग। 23/3 से ऑलरेडी फॉर्म फिलअप का स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट जो है 31/3/2023, ध्यान में रखें इसका क्लोजिंग डेट है 31/3/2023। अभी भी टाइम है, जल्दी आप लोग इस पोस्ट का अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन में। हियरिंग प्रोसेस में आप लोग को राइटिंग एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का माध्यम आप लोग के सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म मोड में ऑनलाइन मोड में आप लोग इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, जो जॉब लोकेशन रहेगा मुंबई स्टेट से जो लोग बिलोंग करता है उन लोग इस पोस्ट के लिए अवेलेबल रहेगा अप्लाई करने के लिए। कंट्री इंडिया से अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में राइटिंग एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का माध्यम सिलेक्शन किया जाएगा। बहुत अच्छा पोस्ट है। जो वेबसाइट रहेगा पोर्टल MCGM.gov.in में आप लोग को जाके अप्लाई करना है। ठीक है, इस प्रोसेसिंग के बारे में सो यहाँ पे देखिए BMC रिक्रूटमेंट स्टाफ नर्स ट्रेनिंग के लिए जो 135 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी जारी का उसके बारे में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है एक बार देख लेते हैं। जो स्टाफ नर्स ट्रेनिंग रखा है इसमें GNM नर्सिंग और BSc नर्सिंग रखा है और विथ रजिस्ट्रेशन रखा है। ठीक है, उसके बाद 135 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी कर रखा है। ठीक है, आप लोग चाहते थे बहुत सारा पोस्ट है इसमें अप्लाई कर सकता है GNM BSc नर्सिंग दोनों इस पोस्ट के लिए। सो BMC स्टाफ नर्स जो ट्रेनिंग नर्स के लिए जो सैलरी रखा 30,000 से लेकर 40,000 के आसपास सैलरी मिलने वाला है इस पोस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पे देखिए BMC इम्पोर्टेंट जो डेट रखा है यहाँ पे देख लेते हैं। तो 23/2/2023 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है इसका स्टार्टिंग डेट है। ठीक है, क्लोजिंग डेट रहेगा 31/3/2023। ध्यान में रखें इस पोस्ट के पहले आप लोग डेट के पहले आप लोग इस पोस्ट को अप्लाई करिए। जो डेट राइटिंग एग्जाम होगा बहुत जल्दी आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है मेरा वेबसाइट में। ठीक है, सो आप लोग जितना जल्दी कर सकते इस पोस्ट के लिए अप्लाई करिए। सो कैसे सबमिशन करना है यहाँ पे देखिए जो विजिट कर सकता है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन BMC जो ऑफिशियल जो पोर्टल है इसमें जाके आप लोग .in मतलब लॉगिन करेगा तो मिल जाएगा पूरा पोर्टल में। ठीक है, एडवर्टाइज लिंक को डाउनलोड करने का नोटिफिकेशन पढ़ के फिर डॉक्यूमेंट के साथ डिटेल्स सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, सो पूरा प्रोसेसिंग का हिस्सा आप लोग को सबमिट करना पड़ेगा। इसमें आप लोग को UR के लिए जो फीस रखा है 345 रखा है, OBC के लिए भी 335, SC ST के लिए 345 रखा है। ठीक है, सो पोस्ट में देखिए BMC पोस्ट सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोग को जो सिलेक्शन किया जाएगा राइटिंग मेरिट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब सिलेक्शन किया जाएगा, पहले भी बता चुका हम। ठीक है, सो आप लोग चाहते थे इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए जो हम PDF है एक बार दिखा देते हैं इस फॉर्म को, आप लोग पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चल जो PDF है PDF को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए BMC का तरफ से जो स्टाफ नर्स के लिए जो वैकेंसी जारी का उसके बारे में जो डिटेल्स एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो स्टाफ नर्स के लिए जो वैकेंसी रखा है 135
टेस्ट पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी कर दिया। 23 तारीख से लेकर 31 तारीख तक इसका पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आप लोग का सैलरी मिलने वाला है 30,000 के आसपास सैलरी मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए जो डेट और टाइम दे दिया, 11 बजे से लेकर 3 बजे तक इसका अप्लाई करने का डेट रहेगा 31 तारीख। ठीक है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा यहाँ पे बता दिया आप लोग को, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, उसके बाद जो 3 ईयर्स का जो कंप्लीट नर्सिंग का सर्टिफिकेट चाहिए विथ नर्सिंग काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसमें बहुत सारा कैंडिडेट के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी कर सका है। तो इसमें आप लोग को जो पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे देखे जो डॉक्यूमेंट दिए इसको सेंड करना पड़ेगा, जो ईमेल दिया इसी ईमेल में। ठीक है, तो इसमें आप लोग को जो भी कोई कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई करना चाह चुका है इसी फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान में रखिए, इसी फॉर्म को फिलअप करके फिर सबमिट करना पड़ेगा जो डेट है डेट के पहले। ठीक है, बहुत अच्छा पोस्ट है बीएमसी स्टाफ नर्स का तरफ से, जो मुंबई का तरफ से इसका जॉब लोकेशन रहने वाला है। ठीक है, हर एक कैंडिडेट आप लोग चाहते तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा पोस्ट है। सो ट्रेनिंग नर्स के हिसाब से लेकर जा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल रिक्रूट का मतलब में आप लोग का सिलेक्शन किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, सो कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट में जरूर बता, हम जरूर आप लोग को सहायता करेगा। हर एक अपडेट मेरा चैनल में मिलता रहेगा, गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं और एक स्पेशल वीडियो लेकर जल्दी आप लोग के लिए हाजिर हूँगा।